ने बॉलीवुड सितारों को चुनावी मैदान में उतारने की मांग को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस के पास कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें आती रहती हैं। साथ ही सिंधिया शिवराज की मुलाकात को लेकर प्रभात झा का कहना है कि राजनीति में संकीर्णता का स्थान नहीं होता है बल्कि उदारता का स्थान होता है। हम विचारधारा से विरोधी नहीं है, व्यक्ति विरोधी है। कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी वो विचार करें। हमारे पास श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाजपा में हैं और हम कोशिश करेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता ही चुने। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारी तैयारी चल रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ती रही है लोकसभा, आपने पहले भी देखा होगा, पिछला चुनाव भी हुआ था। और नेता कभी नेता ही रहता है, शिवराज जी 13 साल के मुख्यमंत्री हैं तो नेता हैं ही, इसमें क्या दो मत है। और इसलिए राकेश जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, इन सब के नेतृत्व में मिलकर हम सब लोग योजना बना ही रहे हैं और उसमें अमल भी हो रहा है।